फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूं मैं, कच्चे आम की चटनी। देखिए फ्रेंड्स, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 2 किलो आम लिए हैं और बड़े बड़े आम लिए हैं। और आप भी ऐसा ही करें, जो बड़े बड़े आम चुने इनमें पल्प ज्यादा होता है तो घिसने में भी आसानी होती है। तो अब इनको मैं छील लेती हूँ और छील कर ना घिसती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आम को छील लिया है, अब इनको मैं ग्रेट कर लेती हूँ और इस वाले से मोटे वाले से ही घिसे, क्योंकि इससे ज्यादा चूरा हो जाएगा, इससे भी बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे, तो ये मोटा वाला सही रहता है घिसने में। मोटे वाले से ही घिसे। ऐसे लच्छे आ रहे हैं ना, ऐसे लच्छे चाहिए हमें एकदम से क्लियर खिले खिले। देखिए फ्रेंड्स, आम घिस लिए हैं और मैंने इसमें रख दिया है कढ़ाई में, और अब मैं इसमें मिक्स करूंगी चीनी। करीब 1 किलो चीनी है, 2 किलो आम में, 1 किलो चीनी और आधा किलो गुड़, क्योंकि 1.5 किलो ही डालूंगी, क्योंकि हमारा आम मीठा भी है और कुछ गुठली का मतलब वजन भी निकल गया है तो कम हो गया है। तो अब मैं 1.5 किलो उसमें मीठा डालते हैं। पहले चीनी मिक्स कर देती हूँ उसमें। जब आप चीनी मिक्स करें तो गैस और भी रखें, तो इसलिए मैंने गैस पर नहीं रखा है अभी। और ये है गुड़, देसी गुड़ है, और आप भी देसी गुड़ ही लें, देसी गुड़ अच्छा रहता है। इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं। साफ कर उस स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करूंगी। पानी नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये चीनी और जो गुड़ है ये अपना पानी रिलीज करेगा। तो कुछ देर के लिए इसको ऐसे रखती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे गैस करूँ। और आप चाहें तो 1 घंटे पहले भी इसको आम और चीनी और गुड़ मिक्स करके रख सकते हैं, मेल्ट हो जाता है। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है पूरी, काफी हद तक गैस ऑन कर दी। इसको स्लो गैस पर ही पकाना है करीब 10 मिनट तक, अभी फिर मैं इसे देखूंगी खोल कर। देखिए फ्रेंड्स, जब तक ये चटनी पक रही है तब तक मैं 5 फोरन मसाले तैयार कर लेती हूँ। गैस ऑन कर लेती हूँ। 1 रखती हूँ पैन इस पर, और इसमें डालती हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। चम्मच जीरा, और 1/2 चम्मच मेथी दाना, और 1 चम्मच सौंफ, और
ये कलौंजी है, कलौंजी में पीसूंगी नहीं तो ये अलग से मैं भूनूंगी इस पर। तो ये चार मसाले अलग भून लेती हूँ पहले। कलौंजी दाना कभी पीसते नहीं है, कभी भी नहीं पीसना चाहिए। इसको भून लेती हूँ मैं हल्का। और ये पंचफोरन मसाला जो है दुकान पर भी मिलता है, किराने की दुकान होती है उस पर मिल जाता है बना हुआ। और अपने घर में अगर ऐसे बना के मोटा मोटा आप कूट कर डालेंगे तो स्वाद अच्छा आता है। इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। और पकाती हूँ, मसाला डालूंगी थोड़ी देर बाद। अब इसमें ये मसाले डाल देती हूँ पंचफोरन और कर देती हूँ मिक्स। अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया है पंचफोरन और इसको मिक्स कर रही हूँ। और हरी इलायची का पाउडर भी है वो भी डाल दिया। और आप इस चटनी को एक साल तक खा सकते हैं स्टोर करके, बट इसमें चम्मच गीली ना डालें, पानी भीगी हुई, तो आप इसको एक साल तक रख सकते हैं। देर के लिए और इसे बंद करती हूँ एक से दो मिनट के लिए, फिर मैं इसको देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनकर रेडी है। इससे ज्यादा थिक नहीं चाहिए हमें, इससे ज्यादा थिक ना करें, परफेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। बताइए आपको ये कैसी लग रही है, देखिए। और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करना, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।